हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय, जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमने एक निर्णय ये भी किया कि कानूनों की जाल कैसे कम की जाए। और आपको खुशी होगी कि मेरी सरकार को अभी 1100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक हमने करीब 1200 से भी ज्यादा कानून हमने खत्म कर दिए हैं, जिन कानूनों की आज के समय में आवश्यकता नहीं थी। ये रिफॉर्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण हमारा कदम रहा है। भारत ग्लोबल बेंचमार्क को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। विश्व को किसी भी कोने से किसी को भारत में अगर निवेश करना है, भारत में अपना नसीब आजमाना है, भारत की जो शक्ति है उस शक्ति को अपने विकास की यात्रा में जोड़ना है, तो ग्लोबल बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक उसका रेटिंग करता है, और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि 3 साल के भीतर भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट बनाते हुए हमने करीब 7000 नए रिफॉर्म्स किए हैं फेडरल गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म जो किए हैं वो अलग है। कोई एक सरकार 3 साल के अपकाल में 7000 से ज्यादा इनिशिएटिव लें, डिसीजन लें और रिफॉर्म करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं अगर इसको राज्यों के रिफॉर्म्स को जोड़ दूं तो वो शायद कहीं और बहुत बड़ा आंकड़ा पहुंचेगा। और उसका परिणाम वर्ल्ड बैंक ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारी परिस्थितियों को सुधार किया है।